सिवान शहर के राम राज्य मोड़ स्थित कॉमर्स विशाल सर कोचिंग में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर कोचिंग के डायरेक्टर विशाल सर के द्वारा बच्चों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई और ट्रॉफी डायरी पेन देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विशाल सर ने बताया कि यह सम्मान समारोह इंटर में पास हुए कोचिंग के छात्र छात्राओं के लिए किया गया था। विशाल सर ने बताया कि कोचिंग में 90% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उन्हीं में एक छात्रा अमृता कुमारी, जो सिवान के पुरानी किला की निवासी है, 435 अंक लाकर कोचिंग ही नहीं सिवान का नाम रोशन किया है। कोचिंग के डायरेक्टर ने बताया कि ये कोचिंग हर साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है, हम बोलते नहीं, हमारा काम बोलता है। उसी का नतीजा है कि हमारे कोचिंग में ज़्यादातर बच्चे 400 प्लस नंबर लाकर कोचिंग का तो नाम बढ़ाया ही, साथ ही सिवान जिले का नाम भी रोशन किया। वहीं विशाल सर ने बताया कि वैसे बच्चे जो पढ़ने को इच्छुक है और उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, वैसे बच्चों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ रहने खाने का भी व्यवस्था किया जाएगा। वहीं 435 अंक लाकर कोचिंग सहित पूरे जिले का नाम रोशन करने वाली अमृता कुमारी ने बताया कि विशाल सर के अच्छे गाइडलाइन और अच्छे मार्गदर्शन के कारण ये सब संभव हुआ है, नहीं तो ये नहीं हो पाता। एक और छात्रा सोनाली जायसवाल ने बताया कि एक बच्चे को अच्छे गाइडलाइन की जरूरत होती है, जो कि एक अच्छे टीचर ही कर सकते हैं। विशाल सर के कारण ये संभव हुआ, जिसके कारण इतने सारे बच्चे आज अच्छे अंक से पास हुए। आइए आपको सुनाते हैं विशाल सर और उनके कोचिंग के छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा है। जो भी मेरा नंबर आया है, मेरे इससे मेरी पूरी परिवार, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली बहुत ही खुश है। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि विशाल सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं और इन पढ़ाई के साथ ही साथ पढ़ाई का एक मूल मंत्र भी इन्होंने हमें सिखाया है कि पढ़ाई कोई ढटने की चीज़ नहीं होती है। पढ़ाई को हम जितना हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, चीज़ें उतनी आसान होती चली जाती हैं। और पढ़ाई और हम अपने गोल्स को, अपने एम्स को आसानी से पा सकते हैं। सर ने हमारी पढ़ाई में बहुत हमारी सहायता की है। समय से पहले सिलेबस को पूरा किया है। समय समय पर हमें गाइडलाइंस देते थे, मार्गदर्शन देते थे कि हम क्या करें, क्या नहीं, कैसे पढ़ें कि आगे हमारा फ्यूचर सेटल हो। सर के इतना करने के बावजूद मेरा इतना अच्छा नंबर आया है, मेरे पूरे बैच का इतना अच्छा नंबर आया है। सो मैं सर की बहुत ही थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच सर। जो भी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि अगर सर आप लोगों पर इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर को मेहनत को बेकार ना जाने दें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, अपना सर का कोचिंग का नाम रोशन करें, सर के विशाल हमको और भी विशाल करें। मुझे गर्व है कि मैं इनके कोचिंग में पढ़ती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं विशाल सर की स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच सर, अपनी कृपा दीजिए अभी मुझे बनाए रखें। हेलो, मेरा नाम अमृता कुमारी है। मैं विशाल सर के कोचिंग में पढ़ती हूँ, जो कि सिवान में है। विशाल सर के कोचिंग सिवान में टॉप में ही आता है। ये हम यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहे हैं। 11th 12th मैंने विशाल सर के कोचिंग में पढ़ा है, जो कि मेरा नंबर 435 बहुत ही अच्छा आया है। पूरे मतलब इन सर के कोचिंग में सबसे हाईएस्ट नंबर आप ही का आया है। यस, पूरे कोचिंग में सबसे हाईएस्ट मेरा ही आया है, 435। कितने साल से सर के पास पढ़ाई करती हैं? मैं सर के पास से 2 साल से पढ़ाई करती हूँ और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जो भी कमी थी 10th में, जो भी मेरे में कमी थी बोलने का, उतना मेरे पास नहीं थी। सर का कितना सपोर्ट मिला आपको? सर का बिहेवियर कैसा लगता? तो पूरा सपोर्ट था मेरे पास। एग्जाम टाइम तक था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, मुझे पता है। हमारे सर हैं इतने अच्छे और एग्जाम टाइम में भी सर टाइम पे हमें गाइडलाइंस देते थे। मेरा मतलब फ़ोन करके बोलते रहते थे कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे हम पढ़े कि मेरा एग्ज़ाम में और भी बेहतर नंबर आए। 435 नंबर आने के पीछे का कारण क्या है?
435 नंबर आने के पीछे का कारण ये है कि ये मेरे सर का सपना था कि कोचिंग का नाम हो, तो जो सर का सपना वो हमारा भी सपना हुआ और सबके सपने को अपना समझकर मैंने पढ़ाई की और सर के भी भरोसे को भरोसे पर कायम रखा। और आगे क्या बनना है, लक्ष्य क्या है आपका? आगे मेरे टीचर का यह कहना है कि अगर मेरे टीचर मेरे लिए कुछ कर रहे तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मेरे सर का कहना है कि BBA करना ठीक रहेगा, तो मैंने भी अपने घर पे बोला है और वही सबने ठीक कहा है। BBA 2-3 साल का कोर्स। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमिता कुमारी है और मैं 1 साल की कोचिंग में पढ़ती हूँ। मेरा घर पुराने जगह बनना। आप लोगों को पता है कि मैंने 429 मार्क्स आया है और एक बच्चा होता है कि अकेला वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसको अच्छे गाइडेंस नहीं मिले। एक टीचर ही होते हैं कि जो बच्चों को अच्छे गाइडेंस देते हैं और उनको अच्छे से सिखाते हैं कि उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने 2 साल सर की कोचिंग में पढ़ा, हमको अच्छे से मतलब गाइडेंस दिए, सब बच्चों को अच्छे से गाइडेंस दिए, अच्छा अच्छा मार्क्स उनका आया है। मेरा अकाउंट्स में 90 मार्क्स आया है, BSC में भी 90 मार्क्स आया है, इकोनॉमिक्स में भी 90 मार्क्स आया है। सर इतने अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं कि मतलब अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। आप लोग भी अगले साल 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग भी अच्छे से सर से गाइडेंस लें और उनके लिए मतलब बात पे सफल हो, आप लोग का भी अच्छा मार्क्स आए। थैंक यू सर। जी सर बताया जाए, आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कुछ करेंगे? आज हम लोग 12th क्रमांक में जो सबसे बेहतरीन नंबर हम लोग कोचिंग की तरफ से जो शिविर में आया है वो अमृता कुमारी 435 नंबर है, उसके बाद सुमारी जसवाल जो है 429 नंबर है। इसी तरह 400+ वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हम लोग सभी बच्चों को बुला के उनके आने वाले भविष्य के लिए यहाँ पे मोटिवेट किए हैं और समझाए हैं कि 12th के बाद हम कौन से ऐसे कोर्स का चयन करें जिसके बाद हमें आसानी से हमें रोजगार जो है मिल जाए। आजकल आप भी देख रहे हैं कि आफ्टर 12th बहुत सारे लोग जो है वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम 12th के बाद हम करें तो करें क्या। और जीवन में और बेरोजगारी का एक मूल कारण ये भी है कि कोई बता नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है कि 12th पास स्टूडेंट जो है उनको करना क्या है और कौन सा कोर्स ऐसा करें जिसके चलते उनका प्लेसमेंट जो है नौकरी जो है वो आसानी से हो जाए। तो आज हम लोगों ने कैरियर पे भी चर्चा की है जिसमें हमने बताया है सभी विद्यार्थियों को कि आप BBA कर लीजिए, BCA कर लीजिए, इस तरह के बहुत सारे कोर्सों की चर्चा हम लोगों ने किया है जिसके माध्यम से करने के बाद आसानी से उन लोगों को प्लेसमेंट और रोजगार आसानी से उनको मिल जाएंगे। सर वैसे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सर वैसे स्टूडेंट के लिए सर? तो वैसे विद्यार्थी जो गरीब परिवार से हैं, किसान के बेटा है, रिक्शा वाले का बेटा है, वैसे परिवार जहाँ पे खाने के लिए भी 3 टाइम की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हम लोगों ने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के द्वारा हम लोगों ने उनको पढ़ने की व्यवस्था हमने बनाई है। मूल कारण ये है कि जब विद्यार्थी सिवान छोड़कर बाहर जाता है तो उसे रूम रेंट देना पड़ता है, अपने पर्सनल जो एक्सपेंस है खाने पीने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, पढ़ने के लिए पैसा देना पड़ता है, ये पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से। इसके लिए हमने 4 लाख रुपए की व्यवस्था बना के यहाँ पे रखी है कि बच्चों को पढ़ने के लिए फी की टेंशन नहीं है, रहने के लिए हॉस्टल में टेंशन नहीं है और खाने के लिए 3 टाइम के भोजन का टेंशन नहीं है। खाने की व्यवस्था जो है फर्स्ट क्लास, जो मैंने क्लास में बताया, रहने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है और पढ़ने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। BBA करें, BCA करें, BTEC करें या कुछ और भी जो कोर्स है वो करें, वो हमारे तरफ से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी जा रही है। सर कोचिंग की तरफ से 4 लाख की सुविधा? कोचिंग की तरफ से नहीं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय योजना बिहार के बच्चों को के लिए वो उन्होंने दिया है जिसके द्वारा 4 लाख रुपया वो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा वो दिया जा रहा है, उसमें हम लोग बच्चों को समझा के उसमें हम करवाते हैं। सर जो नया सेशन का एडमिशन अभी सर शुरू होने वाला है उसके लिए सर वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे कि जो आपके पास आए पढ़े? वैसे सबसे बड़ी बात है कि जो अभी 12th का एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है वैसे लड़कियों के लिए विशेष जो हमने 30% का डिस्काउंट दिया है। सर बस लड़कियों के लिए ना, लड़कियों के लिए जो विकलांग बच्चा है, जो गरीब परिवार किसान का बच्चा है उसके लिए हम 75% डिस्काउंट का एडमिशन अपने लेंगे। कोई किसान का बच्चा हो, गरीब हो या कोई ऐसे बच्चे हो जो रिक्शे वाले के हो, जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन कुछ करना चाहते हैं, तो अपने मेरा यहाँ जो 12th कमांड्स में जो फी है हम 75% डिस्काउंट पे उनका एडमिशन लेंगे, मात्र 25% अमाउंट लेंगे। सर लोगों से क्या अपील करेंगे सिवान के लोग? लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों को ध्यान दें, पढ़ाएं, क्योंकि आज के समय में अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आने वाला कल जो है वो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और सही टीचर के पास जो है आप उसको भेजें। जैसे वो बच्चे के बारे में टीचर सोचे, जैसे हम लोग यहाँ पे
ट्वेल्थ पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी है आज हमने सम्मान समारोह का आयोजन किया था जिसमें हमने ये बताया है कि आप ट्वेल्थ के बाद कोई ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार के हैं वो पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं जिनके पास 5,000 रुपए भी नहीं है उसके लिए हमने 4,00,000 रुपए व्यवस्था करके रखा है जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ उनको दिलवा के और उनको बेहतर भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स तो हम लोग करवा ही रहे हैं साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था है कि जो बच्चे डीडीए डीसीए बीटेक कर रहा है उसको रोजगार की पूर्ण गारंटी है कि पढ़ने 3 साल का कोर्स पूरा होने के अंदर ही उनका प्लेसमेंट हो जाएगा ये गारंटी है। देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से एडमिशन करवाया जा रहा है जो टॉप कॉलेज है पूरे इंडिया के उस कॉलेज में इनका एडमिशन करवाया जा रहा है जहाँ पे पढ़ना किसी के लिए सपना होता है उन सारे कॉलेजों में करवाया जा रहा है।